नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज हम आपको लेकर आए हैं जयगढ़ के किले के अंदर। जयगढ़ का किला राजस्थान की राजधानी जयपुर के गुलाबी शहर में चील का टीला पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित एक बहुत ही भव्य संरचना है। इस खूबसूरत इमारत को सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हरे भरे और विशाल जंगलों से घिरी एक महलनुमा संरचना है। आपको बता दें कि इस शानदार किले से आमेर किले तक एक भूमिगत मार्ग भी जाता है और इसे विजय का किला के रूप में भी जाना जाता है। इस किले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप है और यह जयपुर शहर का एक आकर्षक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। विद्याधर नामक एक प्रतिभाशाली वास्तुकार द्वारा निर्मित और डिजाइन किया गया, जिसकी वजह से यह किला यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करता है। जयगढ़ किले को तीनों किलों में सबसे ज्यादा मजबूत कहा जाता है और इस किले को कभी भी किसी भी बड़े प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप स्थित है उसका केवल एक बार परीक्षण किया गया। यह किला शहर के समृद्ध अतीत को बताता है और इसका नाम स्वाई जयसिंह द्वितीय शासक के नाम पर रखा गया है जिसने इसको बनवाया है। जयगढ़ का किला 18वीं शताब्दी में बना हुआ एक शानदार वास्तुकला का उदाहरण है। आमेर किले के साथ जयगढ़ आमेर शहर में स्थित था, जिस पर 10वीं शताब्दी की शुरुआत में कछवाहों ने शासन किया था। मुगल शासन के दौरान यह किला मुख्य तोप फाउंड्री बन गया था और युद्ध के लिए आवश्यक गोला बारूद के साथ अन्य धातु को रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आपको बता दें कि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि जयगढ़ किले में खजाना था जिसे जयसिंह ने जयपुर शहर का विकास किया। इस किले की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इससे पूरे जयपुर शहर को देखा जा सकता है। यह मुख्य रूप से राजाओं की आवासीय इमारत था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल शस्त्रागार के तौर पर किया जाने लगा। इतिहास और वास्तुकला, जयगढ़ किले के पीछे एक समृद्ध इतिहास है। मुगल काल में जयगढ़ का किला राजधानी से 150 मील दूर था और सामान की बहुतायत के कारण मुख्य तोप ढुलाई बन गया था। यह हथियारों, गोला बारूद और युद्ध की अन्य जरूरी सामग्रियों के भंडार करने की जगह भी बन गया। इसकी देखरेख दारा सिको करते थे, लेकिन औरंगजेब से हारने के बाद यह किला जयसिंह के शासन में आ गया और उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस किले की बाहरी दीवारें लाल बलुआ पत्थरों से बनी है और भीतरी लेआउट भी बहुत रोचक है। इसके केंद्र में एक खूबसूरत वर्गाकार बाग मौजूद है। इसमें बड़े बड़े दरबार और हाल हैं, जिनमें पर्देदार खिड़कियां हैं। बड़ी बड़ी दीवारों के कारण यह किला हर ओर से अच्छी तरह सुरक्षित है। यहाँ एक शस्त्रागार और योद्धाओं के लिए एक हाल के साथ एक संग्रहालय भी है, जिसमें पुराने कपड़े, पांडुलिपियां, हथियार और राजपूतों की कलाकृतियां हैं। इसके मध्य में एक वॉच टावर है जिससे आसपास का खूबसूरत नजारा दिखता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही। प्रभु की कृपा पर सदैव बनी रहे इसी कामना के साथ नमस्कार।